अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। गौरी शिव बेबी, तुम्हें तो सच में चोट लगी है गौरी, लगता है मुझे तुम्हारा ध्यान रखना पड़ेगा। हमारा बच्चा हमारा बेटा है जिसे हमारी इतनी परवाह, जिसने हमारी चोटों पर गौर तो फरमाया, और बेबी एक आपके पापा है जिन्हें हमारी कोई फिक्र नहीं है, जिन्होंने हमारी तरफ ध्यान से देखा तक नहीं, ऐसी हालत में भी हमें अकेला छोड़कर गोपिका और उसकी माँ के पास जा रहे हैं। गोपिका, हाँ बेबी गोपिका, क्योंकि आपके पापा ना अपने बेटे शिव और हमसे ज्यादा प्यार, हम ऐसा लगता है जैसे गोपिका और उसकी माँ से करने लगे, उनके लिए ना वो लोग ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, हम नहीं। वो मेरे पापा है और मैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हूँ। अब तक तो जीत को आ जाना चाहिए था, कहाँ रह गया? अम्मा जी, आप शायद भूल रही हैं। इतने सालों से सब कुछ अकेले हम ही संभालते आए हैं, तो आगे भी हम ही संभाल लेंगे। ये लीजिए, ये लीजिए आपके सामान के पैसे। इतने पैसों में इस महीने का किराया तो निकल ही जाएगा। क्या हुआ मैडम, आपका हीरो अभी तक आपको बचाने नहीं आया? यहाँ से तो बहुत ऐड कर गया था। हर बार हीरोइन को बचाने के लिए हीरो की जरूरत नहीं होती, हीरोइन खुद भी सक्षम है अपनी रक्षा करने के लिए। आपका किराया ये क्या, सिर्फ एक महीने का किराया? ना ना मैडम, बात तो पूरे साल भर की हुई है, मैं तो साल भर का पैसा एक साथ लूंगा। ये छुट्टे पैसे आप अपने पास ही रखिए। शिव, कहाँ जा रहे हो आप? बेटा हमें एक जरूरी काम है, बस अभी थोड़ी देर में आते हैं, ठीक है? नहीं, फैमिली से ज्यादा बड़ा क्या काम हो सकता है? आपको ही नहीं जाएंगे और हम दोनों मिलकर आज गौरी का ध्यान रखेंगे। शिव बेटा हमारी बात सुनो, पापा को है ना बहुत जरूरी काम है, पापा यूं गए और यूं आए, ठीक है? नहीं, गौरी का ठीक होना ज्यादा जरूरी है। जब हम बीमार थे तो वहां कितना ध्यान रखती थी, तो आज हम दोनों की बारी है, जल्दी चलो। सही तो कह रहा है बच्चा, घर वालों से ज्यादा तुझे अब बाहर वालों की पड़ी है। क्या करें, वहां गोपिका हमारे आने की राह देख रही होगी। पता नहीं उस्ताद जी कहाँ हैं, इतना टाइम क्यों लग रहा है, कब तक आएंगे उस्ताद जी, किधर गए? ये हमारी कुछ सेविंग्स हैं, अभी के लिए आप रख लीजिए और आपसे जब भी हो पाए आप वापस कर दीजिएगा। माफ कीजिए, हम इससे नहीं ले सकते,
ये आपकी जमा पूंजी है, हम इसे नहीं रख सकते। माना कि इस समय महादेव हमारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम आपको भी मुसीबत में डाल दें। रहने दीजिए। आंटी आंटी गोपिका का है? आप ही लोगों के साथ तो गई थी खेलने, आई नहीं? नहीं नहीं। अगर गोपी खेलने नहीं गई तो फिर कहाँ चली गई? ये गोपिका क्या कर रही है? वाह बेटा, कितना अच्छी गाड़ी साफ कर दी मेरा। ये लो आपका मेहनताना। धन्यवाद अंकल, अगली बार अगर गाड़ी साफ करवानी होगी तो हमें बुलाइएगा, चांद से भी ज्यादा चमक ला देंगे। ठीक है बेटा। उस्ताजी को आने में थोड़ा टाइम लग रहा था ना, तो फिर हमने सोचा कि हम ही थोड़ा काम कर ले, आपकी हेल्प भी हो जाएगी, और वैसे भी देखिए ना कितने सारे पैसे कमाए हमने। तुम यहाँ क्या कर रही हो? गोपिका, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, पढ़ने लिखने की उम्र में ये काम नहीं किया जाता है, गुनाह है ये। अब देखिए जननी एआई की कहानी, 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। दादी, ये चेक गोपी की फैमिली तक पहुंचना बहुत जरूरी है, अगर नहीं पहुंचा तो वो मकान मालिक उनका घर खाली करवा देगा। तो हमें दे दो। हम उन तक पहुंचा देंगे। माफ करना गौरी, पर हम तुम पर भरोसा नहीं कर सकते। ये जो कुछ हो रहा है आज, ये तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। फिर क्यों तुम उनकी फैमिली को चेक पहुंचाओगी? हम इतने बुरे नहीं है जीत, मानते हमने पहले जो कुछ किया वो उनके साथ किया, क्योंकि हमें अपने बेटे शेफ की ना चिंता थी, और अपने बेटे की सुरक्षा के लिए ना अगर हमें वो सब कुछ 100 बार और करना पड़ेगा तो हम करेंगे। अगर हम जानते हैं कि अब उस सब की जरूरत नहीं है और उन लोगों को तुमसे मदद की अपेक्षा है, तो तुम उनकी मदद कर सकते हो, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तुम्हारे साथ हैं जीत, जैसे पिछले 6 सालों से तुम्हारे साथ। हम जानते हैं तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने तो शायद कभी एहसास भी ना हुआ हो कि हम तुम्हारे साथ खड़े, अगर फिर भी हम हैं तुम्हारे साथ। जीत, चाहे बेचारी कुछ भी कर ले पर तुझे इस पर भरोसा ही नहीं है। पिछले 6 साल से पूरा घर ये संभालती आई है, फिर क्यों ये चेक नहीं दे सकती? हाँ, ले गौरी। नहीं, आप कहीं नहीं जाओगे, आज पूरा दिन मेरे और गौरी के साथ रहोगे। बैठो।
इस चेक से हम तुम्हारी मदद तो जरूर करेंगे कृष्णा, लेकिन कुछ अलग तरीके से। असली खेल अब शुरू होगा। गोपी, जानती हो भगवान किन लोगों का टेस्ट सबसे ज्यादा लेते हैं? किनका? आप, जिस पे भगवान को सबसे ज्यादा भरोसा होता है, जिसको भगवान और भी ज्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, उनका। सच्ची माई? तभी आप इतने स्ट्रॉन्ग हो, भगवान जी ने आपके खूब सारे टेस्ट लिए। हो गया नाच गाना तुम लोगों का। वो आदमी तुम लोगों को बेवकूफ बनाकर चला गया, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं। चलो निकलो यहां से, मेरा घर खाली करो, निकलो। देखिए हमारी बात तो सुनिए। बहुत सुन ली आप लोगों की बात, अब मेरी बात सुनो। तुम कौन हो भाई? गोपिका का पापा, डॉक्टर विश। डॉक्टर विश, तैयार हो कृष्णा की जिंदगी में विश खोलने के लिए? वैसे तुम्हारा एडवांस तुम्हारे अकाउंट में पहुंच गया। नहीं, ना तुम गोपिका के पिता हो और ना ही हमारे पति। कौन है तू? आराम से भाई साहब, एक बार इनसे पूछिए इस बच्ची का बाप कौन है और इनका पति। अपनी आंखों से देखा हमने, तुमने हमारे बच्चे को पति में फेंक दिया कृष्णा। डोंट वरी, बच्चा और कृष्णा दोनों सेफ हैं। आप किस बच्चे की बात कर रही हैं डॉक्टर? आपका बच्चा, आप प्रेग्नेंट हैं। कौन है इनका पति, पूछिए इनसे। ए! कोई भी हो उसका पति, पर तू नहीं है। चल निकल यहां से। अम्मा जी, अम्मा जी, मैं जानता हूँ
आप पहले भी नाराज थी और आज भी मुझसे नाराज है। कृष्णा, मेरी गरीबी को देखकर तुम घर से भागी थी ना, गोपिका को लेकर। आज सब कुछ सही है, पैसों की कोई कमी नहीं है। मैं तुम्हें रानी और गोपिका को राजकुमारी जैसे रखूंगा। तो मैडम ने आपको पैसे के लिए छोड़ दिया था, ये तो बहुत गलत किया आपने। ये नाराजगी छोड़ो, जो कुछ तुम चाहती थी आज सब कुछ है मेरे पास। पैसा, नौकरी, सब कुछ है हमारे लिए। देखो, तुम अपनी ये कहानियां ना जाकर किसी और को सुनाना, हम नहीं जानते तुम्हें। माई, अगर ये हमारे पापा है तो हमें याद कैसे नहीं। गोपिका बेटा, तुम बहुत छोटी थी जब कृष्णा तुम्हें घर से लेके चली गई थी, तुम्हें कैसे याद रहेगा। पापा से मिलोगी? आओ पापा के पास। आओ ना बेटा। दूर रहो हमारी बेटी से। गौरी, पापा अपने फ्रूट्स और जूस लेके आए, मैं भी खाऊंगा आराम से। अरे, गौरी के हाथ में तो फ्रूट लगी है और मैं तो आपका प्यारा बेटा हूँ, तो आपको खिलाना पड़ेगा खाना हम दोनों को। खिलाते बेटा। दोपहर का खाना समय पर मिलेगा ना, या फिर भूखे पेट ही करवट बदलते हुए सोना पड़ेगा। नानी जी, भगवान झूठ ना बुलाए, लेकिन हमारे रहते कोई भूखा क्यों रहेगा। हाँ, बस अभी हम ये सब करके रसोई में ही जा रहे थे। हाँ, खाना बन जाए तो बुला लेना। जी जी नानी जी। मम्मी जी। हाँ। देखा आपने कैसे शासन चला रही है हमारे ऊपर। इतना तो इन्होंने कभी गौरी के ऊपर भी नहीं चलाया और ना ही हमने चलाते हुए देखा है कभी। और ये गौरी, ये भी अपने आप को बहुत बड़ी हीरोइन समझती है, एक नंबर की नौटंकी है। इतनी सी चोट लगी मम्मी जी, आपने उसका हाथ देखा, इतनी सी चोट लगी है उसको बस, और अपने बच्चे और पति को लेके घुस गई है रूम में। जानते हैं हम, क्या कहती हो, आज पर्दाफाश कर दें इसका। हाँ मम्मी जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, हमारी भी सुबह से काम कर करके ना कमर टूट गई है, इसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है आज। इससे ज्यादा तो हमने कभी जिंदगी से कुछ नहीं चाहा। क्या इतना मुश्किल है हमें ऐसी नॉर्मल जिंदगी मिलना। क्यों कृष्णा बार बार हमारी खुशियों के बीच आ जाती है, मगर इस बार हम अपने पति को और अपने बेटे को किसी से नहीं बांटेंगे। इस बार तुम्हें ऐसा उलझाएंगे कृष्णा की जिंदगी बाहर उलझी रह जाओगी। हम तो कहीं नहीं, पता नहीं वो चेक गोपी की माँ तक पहुँचा होगा भी या नहीं। कहीं वो मकान मालिक उनका घर ना खाली करवा दे। क्या करे, यहाँ से जा भी तो नहीं सकते। ये तो मेरी बचपन की फोटो है, ये इनके पास कैसे है। हाँ,
आप कहो कि ये हमारी गोपिका की फोटोज नहीं है। अगर मैं गोपिका का बाप नहीं हूँ तो मेरे पास उसकी बचपन की फोटोज कहाँ से आई? तुम्हें तो पहली नजर में ही देखकर मैं समझ गया था, तुम बहुत ही आड़ी टेढ़ी औरत हो। अपनी लालच में एक बच्ची को बाप से दूर कर दिया और अब उससे मिलने भी नहीं दे रही हो। तुम्हारी जैसी कुछ औरतों की वजह से पूरी औरत जात पर उंगली उठती है। भाई साहब आप बीच में मत आइए, ये एक पति और पत्नी के बीच का मामला है। आप अपनी पेमेंट लीजिए और जाइए। हाँ भाई, आप पति पत्नी के बीच का मामला है तो मुझे क्या इतराज है, मुझे अपने पैसे से मतलब था, वो मिल गया। सनी, संध्या, प्लीज तुम लोग भी थोड़े देर के लिए चले जाओ यहाँ से। ये हमारा पर्सनल मैटर है और हम इससे अकेले ही निपटेंगे। काका प्लीज आप भी। गोपिका अपने कमरे में जाओ। एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर लेते हो तुम, सब चले गए, अब हमें सच सच बताओ कौन हो तुम और ये सब नाटक क्यों कर रहे हो? नाटक? कौन सा नाटक कृष्णा? मैं सच में तुम्हें और गोपिका को घर ले जाने आया हूँ। मैं तुम दोनों को अभी साथ में रखना चाहता हूँ। तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? डीएनए रिपोर्ट है मेरे पास, ये देखो। ये कैसे हो सकता है? गोपिका के असली पिता तो जीत है।